निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए मसला कश्मीर का हल होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, सीपैक के जरिए पाकिस्तान मुस्तहकिम होगा। सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीरे आज़म शहबाज़ शरीफ ने गुजरांवाला मुलाकात की तर्दीद कर दी। साफी के सवाल पर जवाब दिया कि क्या बात करते हैं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। शहबाज़ शरीफ ने कहा कि मियां नवाज़ शरीफ ने हुक्म दिया तुम लंदन आ जाओ, मशवरा करना है, तो मैं 24 घंटे बाद ही आ गया, मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर तरीन ने कहा है कि नवाज शरीफ को जनरल बाजवा और जस्टिस इजाजुल हसन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई मसला नहीं, हम मुतमईन हैं। और इमरान खान की वकालत करने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा की मेंबरशिप मुअत्तल कर दी। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने एक हफ्ता कबल सरदार लतीफ खोसा को शोकाज नोटिस जारी किया था कि बगैर इजाजत आप 9 मई में मुलविस इमरान खान की वकालत क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब दिया जाए।